वेलकम टू आवर चैनल मेडिकोस क्लासेस। और आज डे टू है, डे वन में हमने करा था सेल के बारे में। तो आज हम जो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री पोर्शन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री बस आज हम करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री पोर्शन हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं जो करनी है केमिस्ट्री पोर्शन में, वो आज हम करेंगे। फिर नेक्स्ट कल जो हम लोग करने वाले हैं वो लाइपिड्स करेंगे, और जो नेक्स्ट मतलब डे आफ्टर नेक्स्ट जो होगा वो उसमें हम लोग लाइपिड्स प्रोटीन केमिस्ट्री करेंगे। तो हम लोग पहले केमिस्ट्री करें, तो हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट डे है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट जैसे ही स्टार्ट होता है तो इसमें सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन होती है कार्बोहाइड्रेट की, जो अगर आपको पता है तो अच्छी चीज़ है, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। बेसिक डेफिनेशन है व्हाट, ये वाली, कार्बोहाइड्रेट मे बी डिफाइन एज द पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। बस इतना बात आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट जो होती है वो पॉली हाइड्रोक्सी PHA, मतलब पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी उसको कह सकते हो। पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मतलब क्या होता है, इसमें ज़्यादा मोर देन वन OH ग्रुप्स होते हैं, पॉली हाइड्रोक्सी एंड एल्डिहाइड ग्रुप और कीटो ग्रुप, मतलब मोर देन वन OH इनमें प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, तो आपको कीटो ग्रुप भी हो सकता है। तो जैसे आप एग्जांपल लेके देखो, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, अल्डो हेक्सोज होता है, मतलब वहाँ पे 6 कार्बन के साथ साथ अल्डो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप उसमें अटैच होता है। वही सुक्रोज की बात करो तो सुक्रोज में क्या, सॉरी फ्रुक्टोज की बात करो तो उसमें क्या होगा कि कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसलिए इसको कार्बोहाइड्रेट को हम डिफाइन करते हैं पॉली हाइड्रोक्सी, मतलब इसमें जो OH ग्रुप है वो ज़्यादा प्रेजेंट होगा, सो दैट वाई इट डिफाइन एज द पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली तीन पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है, दैट इज द मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मतलब कार्बोहाइड्रेट को तीन पार्ट में आपको डिवाइड करना है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बन सकता है। तो इसको कैसे लिखोगे, फर्स्टली आपको इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देना है कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को तीन पार्ट में, मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड आपको पता है दैट आर द सिंपलेस्ट शुगर, सबसे सिंपलेस्ट शुगर होता है। ऑलिगोसेक्राइड क्या होता है, जब इसमें जो करीब मोर तुम्हारा 3 to 10, देखो मोनोसेक्राइड मतलब क्या होगा, एक शुगर यूनिट्स होगा इसमें। ऑलिगो में क्या होता है, 3 to 4 यूनिट्स होता है, ठीक है, उसको ऑलिगो बोलते हैं। और भाई पॉलीसेक्राइड जो होता है उसमें मोर देन 10 होता है, मतलब 3 to 10 जो होगा वो ऑलिगोसेक्राइड में आएगा। बेसिकली 3-4 मैंने बोल दिया है, बट अगर सेक्राइड ग्रुप्स 3 to 10 होगा तो ऑलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड में मोर देन 10 होगा। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया। नाउ कम टू द मोनोसेक्राइड पोर्शन। तो मोनोसेक्राइड के लिए अगर आप आते हैं तो मोनोसेक्राइड में देखो, देखो कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें हैं, दैट आर द सिंपल शुगर्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल शुगर बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, दैट आर द सिंपल शुगर, ओके, यू सी लाइक दैट द सिंपल शुगर। ये कैसे होते हैं, सिंपल शुगर होते हैं, सिंपल शुगर होते हैं ये। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल फार्मूला, तो CnH2n जो है तो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं, दैट इज़ योर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अ सिंपल शुगर, जनरल फार्मूला इज CnH2O फिर N। तो इसके जनरल फार्मूला आपसे पूछ सकते हैं बायो वगैरह में कि क्या होता है, या बताना होगा, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड के जो ग्रुप्स होते हैं, वही मैंने बताया, मोनोसेक्राइड में अगर देखो, मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप मोनोसेक्राइड में एल्डिहाइड है उसको हम अल्डोज बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप अगर कीटोन है तो हम लोग उसको कीटो बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप अगर कीटो ग्रुप है तो हम लोग उसको कीटोन बोलेंगे। तो देखो अगर हम अल्डोज के एग्जांपल देखें तो ग्लिसरलडिहाइड, ग्लिसरलडिहाइड एग्जांपल हम अल्डोज, और कीटो के एग्जांपल देखें तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और फ्रुक्टोज आपको देखने को मिलेंगे कीटो के एग्जांपल। दीज आर द मोनोसेक्राइड्स, मतलब इसमें शुगर यूनिट एक ही है। अब देखो, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम मोनोसेक्राइड को फर्दर डिवाइड किया जाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिवाइड किया जाता है, किसमें किसमें, 3 कार्बन होगा तो ट्रायोज, 4 कार्बन तो टेट्रोज, 5 कार्बन पेंटोज, 6 कार्बन हेक्सो, 7 हेप्टोज। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, आपको ये चीज़ मैंने अभी बताया था, थोड़ा पहले भी बताया था आपको कि ग्लूकोज इज़ योर एल्डोहेक्सोज, ग्लूकोज इज़ व्हाट, ग्लूकोज इज़ योर एल्डोहेक्सोज, वाइल फ्रुक्टोज इज़ योर कीटोहेक्सोज। तो दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोहेक्सोज है, और जो तुम्हारा एंड जो तुम्हारा फ्रुक्टोज इज द कीटोहेक्सोज। तो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट सी बात हुई। नाउ कम टू द ओलिगोसेक्राइड, ठीक है, ओलिगोसेक्राइड्स क्या होते हैं, दैट कंटेन्स 2 to 10 मोनोसेक्राइड, मैंने बताया है आपको। तो मोनोसेक्राइड के दो तीन इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया ना, दैट इज द सिंपलेस्ट शुगर, जनरल फार्मूला इज द CnH2n, ठीक है, जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n सिंपल शुगर। उसके बाद हमने देखा कि व्हेन द फंक्शनल ग्रुप कंटेन द एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज द अल्डोजेस, एन एग्जांपल सर ग्लिसरलडिहाइड एंड ग्लूकोज, एंड व्हेन द फंक्शनल ग्रुप कंटेन कीटो ग्रुप, दैट इज द डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल। फिर बेस्ड ऑन द कार्बन एटम ट्रायोज, टेट्रोज, ये सारी चीज़ आपको याद होना चाहिए,
ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है अल्डोहेक्सोज, फ्रुक्टोज किसका कीटोहेक्सोज, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। चलो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे फिर से, ऑलिगोसैकेराइड। तो ऑलिगोसैकेराइड पहले ही बता रखा है मैंने, 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होगा तो ऑलिगोसैकेराइड बोलते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, तो ये मतलब क्या है ना, ऑलिगोसैकेराइड को फर्दर कोई कोई बुक में क्या होता है ना, डाइसैकेराइड और ट्राइसैकेराइड में भी डिवाइड करते हैं। डाइसैकेराइड समझ सकते हो जिसमें 2 शुगर यूनिट, ट्राइसैकेराइड में 3 शुगर यूनिट, तो ये बेसिक बातें होगी। पॉलीसैकेराइड आपको बताया दिया मोर देन 10 होगा तो उसको पॉलीसैकेराइड बोलेंगे, ठीक है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो जिनको नहीं पता होमोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड क्या होता है, मैं बता दूं कि होमोपॉलीसैकेराइड वाले में क्या होता है, जो मोनोमर होते हैं वो सेम होते हैं, और जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड होते हैं उसमें जो मोनोमर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब इसमें जो मोनोमर होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट। इसमें जो मोनोमर क्या बोलते हैं, मोनोमर इज़ अ बेसिक यूनिट। देखो क्या होता है ना कि जैसे अगर एक कार्बन 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 छः का मान लो 3 कार्बन मिलके क्या बनाता है, टेट्रोज बनाता है, तो उसमें एक कार्बन क्या हो, ये मोनोमर हो गया और 3 मिलके पॉलीमर बनाया। बेसिक एग्जांपल है, इसको तुम इससे मत जोड़ना, बस समझाने के लिए बता रहे हैं कि कोई एक छोटे 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 स्ट्रक्चर जो होता है ना वो मिलके क्या बनता है, कोई पॉली स्ट्रक्चर बनाता है, बड़ा स्ट्रक्चर बनाता है। तो वो जो सब यूनिट होते हैं जिनसे वो मिलके बनता है, दैट इज नोन एज द मोनोमर। तो होमोपॉलीसैकेराइड में जो मोनोमर होगा दैट आर द सेम, मतलब एक टाइप के स्ट्रक्चर्स। मतलब अगर घर बना रहे हो तो ईंट से बनता है तो एक ही टाइप की ईंट से पूरा घर बनेगा, तो वो होमोपॉलीसैकेराइड एग्जांपल। वही अगर घर बना रहे हो उसमें डिफरेंट टाइप की ईंट इस्तेमाल कर रहे हो तो वो हो गया हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो ये बेसिक एग्जांपल हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट सी चीज़ नहीं है क्योंकि ये केमिस्ट्री पोर्शन हो जाता है। आइसोमेरिज्म कुछ इंपॉर्टेंट है, DLN आइसोमेरिज्म। ये मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ DNL आइसोमेरिज्म, तो आप इसको बता सकते हो कि व्हाट इज़ DNL आइसोमेरिज्म। तो मैं आपको बताऊँ, DLN आइसोमेरिज्म नथिंग बट द मिरर इमेज ऑफ द ईच अदर। मतलब ये जो आपस में मिरर इमेज होते हैं ना उन्हीं को हम लोग बोलते हैं DNL आइसोमेरिज्म। तो देखो ये क्या होता है ना कि नॉर्मली एक एग्जांपल देखो, ये जैसे ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या हुआ कि कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, सॉरी कार्बन नंबर इधर से काउंट होगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से क्या होगा कि देखो 5 नंबर कार्बन पे दोनों तरफ देखो OH का पोजीशन, एक में क्या है राइट है, एक में लेफ्ट है। तो जिसमें राइट है उसको डी ग्लूकोज बोल दिया, जिसमें लेफ्ट है उसको एल ग्लूकोज बोल दिया। तो इसे आप याद भी रखते हो, लेफ्ट अगर OH प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एल ग्लूकोज, और अगर जिसमें राइट में प्रेजेंट होगा उसको डी ग्लूकोज बोल देंगे। तो बेसिकली एक फिक्स कार्बन नंबर के पे पोजीशन की चेंजेस होती है। सो DLN आइसोमर मतलब मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैं एक बात इम्पोर्टेंट सी चीज़, ठीक है, आई वांट टू टेल यू कुछ इम्पोर्टेंट से पॉइंट की जो नेचुरली अकरिंग मोनोसैकेराइड्स होते हैं मैमिलियन टिश्यूज़ में, ठीक है। मैमिलियन टिश्यूज़ में क्या होता है, जो मैमल्स होते हैं, जैसे हम लोग हो गए, जो मैमल्स हो गए हैं उनमें मेनली क्या होता है, डी ग्लूकोज जो होता है ना, डी ग्लूकोज वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये मैं आपसे बाद में पूछूंगा। तो डी ग्लूकोज सिर्फ मैमल्स में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ इट में नोट द नेचुरली अकरिंग मोनोसैकेराइड द मैमिलियन टिश्यूज आर मोस्टली डी कॉन्फिगरेशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ कम टू द डेक्सो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी क्या होता है। तो देखो इसका मतलब हुआ कि जब एक बीम ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन इन ऑप्टिकल आइसोमर इट विल रोटेट आइदर लेफ्ट। देखो मान लो एक ऐसे स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, लाइट की बीम आई, ठीक है, मैंने बीम ऑफ लाइट ऐसे आई, ठीक है। तो दैट इज़ द प्लेन पोलराइज, इसको PPL बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट पास करेगा। और क्या होता है ना कि अब ये क्या करेगा, मान लो ये लेफ्ट चला गया और राइट चला गया, तो जो राइट चला जाता है उसको हम लोग डी पॉजिटिव बोलते हैं, और जो लेफ्ट चला जाता है उसको एल नेगेटिव बोलते हैं, और जो लाइट सीधा चला जाता है उसको हम लोग रेसमिक्स मिक्सचर बोल देते हैं। तो ध्यान रखना मेरी बातों को। अब देखो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखो तो ये मैंने आपको बता दिया। नाउ कम टू लाइक, देखो रेसमिक्स मिक्सचर मैंने बताया, DL से बंद इक्वल कंसेंट, मतलब DL इक्वल कंसेंट्रेशन में हो। तो देखो जब मैंने क्या बोला था कि एक तरफ गया डी, एक तरफ आया एल, बीच में चला गया तो रेसमिक्स, मतलब ये दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो गया, तो उसको रेसमिक्स मिक्सचर बोल दिए, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज EPMER। देखो EPMER का मतलब कुछ नहीं होता, दो मोनोसैकेराइड डिफर होंगे ईच अदर में अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन, मतलब एक स्पेसिफिक कार्बन पे दोनों की ओरिएंटेशन में चेंज होगा। मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ तब आपका बेटर क्लियर हो जाएगा। नाउ ये देखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ध्यान रखना।
आपको पता होगा कार्बन अगर आप देखोगे काउंट करके देखो ऐसे 1 2 3 4, देखो फोर कार्बन पे क्या है ना, ओ एच एक तरफ दूसरे तरफ है, इधर इधर है, मतलब क्या है इधर लेफ्ट साइड है इधर राइट साइड है, ठीक है। तो ये हम क्या बोल रहे हैं, देखो एपीमर में क्या होता है कि पार्टिकुलर एक कार्बन पे क्या होता है ओरिएंटेशन चेंज होता है। तो देखो कार्बन नंबर फोर पे क्या है ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को जब हम कंपेयर करेंगे तो कार्बन नंबर फोर पे ओरिएंटेशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की चेंज हो जाएगी। तो ये आपको एक बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि कार्बन नंबर, आपसे एक एग्जांपल व्हाट इज एपीमर, तो एपीमर आप बोल सकते हो कि एपीमर आप बोल सकते हो कि दो मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो आपस में डिफर करते हैं एक दूसरे से अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन, मतलब एक सिंगल स्पेसिफिक कार्बन पे क्या होता है दो मोनोसेक्राइड आपस में डिफर कर जाते हैं, तो इसको हम एपीमर। तो ग्लूकोज गैलेक्टोज क्या हो गया, एपीमर हो गया रिगार्डिंग टू सी4 कार्बन, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज सी4 कार्बन पे हो गया एपीमर। और अगर मैनोज और ग्लूकोज की बात करें, मैनोज और ग्लूकोज की बात करें तो आप देख सकते हो कार्बन नंबर टू पे OH की पोजीशन, देखो 1 एंड 2, तो देख सकते हो कार्बन नंबर टू पे OH की पोजीशन देख रहे हो, तो ये चेंज हो रहा है। तो ये ग्लूकोज और मैनोज में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्लूकोज और मैनोज में ये चीज़। तो आप कह सकते हो अगर आपसे कोई पूछता है ईपीमर के एग्जाम्पल बताओ, तो ईपीमर इज़ नथिंग बट वॉट, ईपीमर इज़ लाइक द ग्लूकोज एंड मैनोज, ठीक है, ग्लूकोज और मैनोज में कार्बन नंबर टू पे ईपीमर है, वही ग्लूकोज गैलेक्टोज में किस पे है, कार्बन नंबर फोर पे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज एपीमराइजेशन। तो एपीमर्स के बारे में बात किया हमने, फिर अब हम एपीमराइजेशन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज एपीमराइजेशन, सो नथिंग बट एपीमराइजेशन इज नथिंग बट द इंटर कन्वर्जन ऑफ एपीमर्स, अगर एपीमर ही इंटर कन्वर्ज कर जाए सो दैट इज नोन एज द एपीमराइजेशन, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली एक डिफिनेशन है, मतलब ध्यान रहे तो बेटर है, नहीं तो कोई बात नहीं। व्हाट इज इनान्शियोमर, इनान्शियोमर इज ऑल्सो नथिंग बट द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो ये बेसिक बात है, हमने पहले भी बात किया है, तो इसमें तो ध्यान नहीं देना है ना। तो ग्लूकोज स्ट्रक्चर्स में हम लोग देखेंगे, ठीक है, और डिटेल हम लोग देखते हैं फिर अब आगे, आई थिंक यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट कौन, देखो हम लोग हर कॉन्सेप्ट डील नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग रिविजन कर रहे हैं ना, तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनसे क्वेश्चन वगैरह हो सकते हैं वही कर रहे हैं। तो अब देखो एनोमर्स की बात करते हैं, एनोमर्स इज व्हाट, एनोमर्स इज द अल्फा बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज आर नोन एज द एनोमर्स, मतलब जो अल्फा बीटा फॉर्म होता है ना डी ग्लूकोज का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं, दैट आर नोन एज द एनोमर्स, ठीक है, उसी को हम लोग एनोमर्स बोलते हैं। तो आई शो यू नो डायग्राम, तब आपको और बेटर क्लियर आ जाएगा। अब देखो एनोमर्स को क्या हुआ, देखो ये देखो अल्फा है डी है, तो देखो यहाँ पे ओ एच देखो बिलो है, ओ एच नीचे की साइड है तो ये अल्फ़ा हो गया, वही ओ एच ऊपर की साइड होगा तो ये बीटा हो गया। तो जो एनोमर की डिफिनीशन क्या कहती है आपको, एनोमर्स की डिफिनीशन क्या कहती है, देखो अल्फ़ा बीटा साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज आर नोन एज दी एनोमर्स, जो अल्फ़ा बीटा साइक्लिक फॉर्म होती है डी ग्लूकोज की दैट आर नोन एज एनोमर्स। तो आपको अल्फ़ा बीटा बस पता करना है क्या होता है नहीं होता। अब देखो इसका लाइन देखकर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि द डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द कॉन्फ़िगरेशन ओनली अराउंड द कार्बन नंबर वन नोन एज द एनोमेरिक कार्बन, बिल्कुल हमने देखा कार्बन नंबर वन पे ही एक तरफ एक बार OH नीचे की ओर प्रेजेंट है, एक बार OH ऊपर की ओर प्रेजेंट है, जब बार नीचे प्रेजेंट है तो उसको अल्फा बोल दिया, ऊपर प्रेजेंट है तो बीटा बोल दिया, बेसिक सी बात। इन द केस ऑफ अल्फा एनोमर द OH हेल्ड बाय द एनोमेरिक कार्बन इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ग्रुप CH2OH रिंग डिवाइड थ्रू द बिना एनोमर, देखो वही सारी बात जो मैंने आपको बताई थी वही बात इसको बताया है यहाँ पे, ठीक है। नाउ व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशन इज नथिंग बट देखो म्यूटा रोटेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन रिप्रेजेंटिंग द इंटर्न कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा। देखो म्यूटा रोटेशन कुछ नहीं होता, म्यूटा रोटेशन का मतलब हुआ कि डिफाइन एज द चेंज इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब जो ऑप्टिकली रोटेशन जो हो रहा है ना उसमें चेंज आ रहा है, सो दैट इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, फॉर्म्स ऑफ डी ग्लूकोज इन और देखो एंड म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या होता है कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है देखो ये चेंज हो जाता है बीटा डी ग्लूकोज में, दैट इज़ द इट, देखो अब एंगल कितना चेंज हो गया रोटेशन से, क्या हुआ एंगल हो गया 112.2 अल्फा का था और बीटा डी में क्या हो गया 18.7, ये बीच वाला एंगल हो गया 52.7। सो म्यूटा रोटेशन इज व्हाट इज, इट इज़ डिफाइन द चेंज इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, तो रोटेशन होने से एंगल चेंज हो गया, ऑप्टिकल स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन दैट रिप्रेजेंट्स द इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा, और यही रिप्रेजेंट करता है इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो ये आपको बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। नाउ कम टू वन मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट,
तो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टॉटोमराइजेशन। देखो टॉटोमराइजेशन का कुछ नहीं होता है, इसका डिफिनीशन आपको बस पता होना चाहिए, बिकॉज ये सारा केमिस्ट्री पोर्शन अगर आपने 11 ट्वेल्थ में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा व्हाट इज टॉटोमराइजेशन। नथिंग बट द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर टू प्रोड्यूस इनी डायोल्स नोन एज टॉटोमराइजेशन। तो बेसिक बात है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि दैट इज द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, दैट इज द शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम को एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे शिफ्ट कर देंगे टू फॉर्म्स द इनोडायोल्स, इनोडायोल्स के फॉर्मेशन के लिए, एंड दैट इज नोन एज द टॉटोमराइजेशन। तो ये बेसिक सी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हाट आर द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ओके देखो, तो मैं आपको बेसिक से बताता हूँ कि व्हाट इज़ द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। तो देखो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज लाइक द, देखो शुगर जो भी होते हैं ना, वो दो टाइप के शुगर्स होते हैं, एक होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, एक होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि ये रिड्यूसिंग है और ये नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं उनमें फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें नहीं होंगे मतलब, और जो नॉन रिड्यूसिंग होंगे उनमें ये चीज़ नहीं देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं, व्हाट आर द बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यू, वो आगे हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे। बेसिक आपको एक क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कंटेन इज द फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप, नॉन रिड्यूसिंग शुगर विच डज नॉट कंटेन द फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ओके, नाउ कम टू लाइक ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखो देखो, अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करता है तो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो ये सब बेसिक बात है। रिडक्शन में आपको ये कुछ नाम याद रखने होंगे कि ग्लूकोज रिड्यूस होकर सॉर्बिटॉल बनाएगा, गैलेक्टोज ड्यूलिक्टॉल बनाएगा, मैनोज मैनिटॉल बनाएगा, फ्रुक्टोज मैनिटॉल सॉर्बिटॉल दोनों बनाएगा, राइबोज राइबिटॉल बनाएगा। तो ये चीज़ है, आपको ऐसे पढ़ सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। अब नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज दैट द ग्लाइकोसाइड्स। व्हाट इज ग्लाइकोसाइड, देखो ग्लाइकोसाइड इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, ग्लाइकोसाइड्स। देखो ग्लाइकोसाइड का मतलब मैं क्लियरली बताता हूँ कि इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द, तुम बेसिक कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट एंड नॉन कार्ब, मतलब ये जो ग्लाइकोसाइड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन बिटवीन कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट के बीच में, या कार्बोहाइड्रेट या नॉन कार्बोहाइड्रेट। मतलब देखो जरूरी नहीं है कि ये कार्बोहाइड्रेट प्लस में नॉन कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ग्लाइकोसाइड बोले, दोनों हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट प्लस नॉन कार्बोहाइड्रेट। तो देखो, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, क्योंकि देखो कोई भी दो स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़ते हैं एक बॉन्ड से, एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नाउ अब मैं आपको बोलता हूँ व्हाट इज ग्लाइकोसाइड्स। तो देखो ग्लाइकोसाइड्स के बारे में बता दूँ, अगर आप डिफिनेशन वाइज जाते हो और बुक में जाते हो तो आपको थोड़ा बेसिक में आता, जो हेमी एसिटल और हेमीकिटल ग्रुप होता है, देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लाइकोसाइड आर फॉर्म्ड जब हेमी एसिटल और हेमीकिटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट का, मैं आपको एक फिगर में समझाता हूँ। मान लो ये कोई एक कार्बोहाइड्रेट है, सी फॉर कार्बोहाइड्रेट, इसका जो हेमी एसिटल, देखो हेमी एसिटल और हेमीकेटल आपने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा, ये सारा केमिस्ट्री पोर्शन है, तो बस आपको थोड़ा चीज़ मानना पड़ेगा। तो जो हेमी एसिटल और हेमीकेटल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो क्या होगा, ग्लाइकोसाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन हेमी एसिटल और हेमीकेटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, मतलब देखो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट इज द हेमीसिटल और हेमीकिटल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज कम्बाइन विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अनदर कार्बोहाइड्रेट, ये अनदर कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कंबाइन करेगा एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। एंड ये तुम्हारा जरूरी नहीं कि कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करे, या नॉन कार्बोहाइड्रेट से भी बाइंड कर सकता है, सो दैट दैट इज नोन एज द ग्लाइकोसाइड्स एंड द बॉन्ड फॉर्म इज नोन एज द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड द नॉन कार्बोहाइड्रेट रेफर्ड टू ए ग्लाइकॉन, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें थी जो आपको ग्लाइकोसाइड्स के बारे में जानना होगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट से बात मैं बता दूँ, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स होते हैं दैट यू नीड टू नो, दैट इज फर्स्ट वन इज द ग्लूकोवेनिलीन, ठीक है। तो आपको इसके बारे में पढ़ना हो तो आप डिटेल पढ़ सकते हो, बट बेसिक आपको नाम याद होना चाहिए। अब देखो ग्लूकोवेनिलीन कार्डिक ग्लाइकोलाइड दो होते हैं, एक होता है डिजॉक्सिन, एक होता है यूबेन, ठीक है। एक होता है डिजॉक्सिन, एक होता है यूबेन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या रखा है ना, नए वाले जो आप 7-9 देखोगे तो उसमें कार्डिक ग्लाइकोसाइड दो दे रखा है, एक डाइजोसिन और एक यूबेन, और स्टेप्टोमाइसिन भी दे रखा है। तो आपको इसके बदले एक और है फ्लोराइजिन, फ्लोराइजिन भी एक होता है, फ्लोराइजिन इज ऑल्सो द ग्लाइकोसाइड, फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए।
तो ये हमने मोनोसैकेराइड पूरा यूनिट खत्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड कंप्लीट करते हैं। देन थैंक यू, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और सारे वीडियोज़ देखो।